तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राणा मशहूद ने किया। उन्होंने नौजवान फनकारों की इस खूबसूरत काविश को सराहा और चार महीने की अंथक मेहनत के बाद पाकिस्तान भर की अक्सबंदी करने वाले फनकारों के लिए पूरे 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया। इन बच्चों के लिए हम 10,000 रुपए का जो है मतलब कैश प्राइज इनको एनकरेज करने के लिए अनाउंस करते हैं। नौजवान फनकारों का कहना था कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकी और दिलकश तस्वीर पेश की है। सिक्योरिटी खदशात के बाइस उन्हें बलोचिस्तान जाने का मौका ना मिल सका, जिसका उन्हें अफसोस है। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हम अपने ही पाकिस्तान के एक सूबे बलोचिस्तान को विजिट नहीं कर सके। वहाँ पर हालात और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें गवर्नमेंट की वहाँ की जो टूरिज्म की गवर्नमेंट है उसने हमें अलाउ नहीं किया और हम लोग बलोचिस्तान की खूबसूरती को देखने से महरूम रहे। नुमाइश में ख्वातीन की तादाद नुमाया थी, जिनका कहना था कि इस नुमाइश के जरिए वतन अजीज के वो मनाजर देखने को मिले जिनसे हम पहले महरूम थे। पाकिस्तान के ऊपर आता है कि जी ये टेररिस्ट है, तो लोग आते हैं यहाँ पर टूरिज्म ने तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे पीसफुल लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इन्होंने एक डिफरेंट एरियाज को कैप्चर किया है, वो बहुत अच्छे लगे, और इनके जो लाइक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कलर्ड फोटोग्राफी, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चीनी कहावत है कि एक तस्वीर हजार अल्फाज से बेहतर है, मगर इस नुमाइश में मौजूद तस्वीर पाकिस्तान की दिलकश कहानी पेश करती हैं,